शिव जी कहते हे भवानी, राक्षस वह नहीं है जो रावण के परिवार का हो। विभीषण तो रावण का छोटा भाई था, लेकिन उसे राक्षस का स्थान नहीं मिला, उसे महान भक्त का स्थान मिला। हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा प्रहलाद, वो भगवान का बड़ा भक्त कहलाया है। सोचिए, राक्षस की जाति नहीं होती, राक्षस की कोई फैमिली नहीं होती, फिर राक्षस कौन होता है? अब शिव जी वर्णन कर रहे हैं, मैं चौपाई गाऊंगा, उसको तुम दोहराना। खाई कबाब शराब सरोजा, खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना रिनी कहाँ खोजा, निश दिन पर ना रिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करे वामहि सेवा, साधुन से वामहि सेवा, जिनके असया चरण भवानी, जिनके असया चरण भवानी, ते जान हुनिसी चर सम प्राणी, ते जान हुनिसी चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना रिनी कहाँ खोजा, निश दिन पर ना रिनी कहाँ खोजा। कितनी मधुर परिभाषा, राक्षस कौन है जो कबाब खाता है। शिव जी एक शाकाहारी थे, शिव जी भांग भी नहीं खाते थे, ये तो भांग खाने वालों ने शिव जी के ऊपर थोप दिया। और भांग खाने वालों से यदि कहो कि तुम भांग क्यों खाते हो, तो कहते हैं ये तो शिव जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूटी है, और बात हमारी झूठी है, और आदत कभी न छूटी है, और शिव जी की ये बूटी है। शिव जी की बूटी भांग कैसे है? अगर शिव जी भांग खाते थे इसलिए तुम भांग खाते हो, तो शिव जी कैलाश पर्वत पर तप करते थे, तुम क्यों नहीं गए तप करने? भांग खाने की तो नकल कर लिया, पर तप करने की नकल क्यों नहीं किया? शिव जी को इतना ज्ञान था, तुमको क्यों नहीं इतना ज्ञान है? उनकी बराबरी तुम कैसे कर रहे? शिव जी गले में सांपों की माला पहनते थे, और तुम्हारे गले में कौन सी माला है? कोई माला वाला तो दिख ही नहीं रही है, हर समय माल के ही चक्कर में पड़े रहते हो, माला का तो काम खत्म कर दिया। और शिव जी कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते थे, तुम्हारे कान में तो कुंडल दिखते नहीं, कान बच गए यही बहुत बड़ी बात है। ये शिव जी की बराबरी, किसी महान पुरुष की बराबरी नहीं करना चाहिए। और किसी अपनी आदत को छुपाने के लिए महान पुरुष के ऊपर कोई आदत का आरोप नहीं लगाना चाहिए। शिव जी भांग नहीं खाते थे, शिव जी क्या कह रहे हैं देखो ना, शिव जी कह रहे हैं जो मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है,
वो देवता है जो मांस मछली खाए कबाब खाए, वो दानव है राक्षस है। एक ही घर में देवता भी हो सकते हैं दानव भी हो सकते हैं। फिर शिव जी कहते जो अंडा खाता है, सरोजा माने अंडा, सरोजा मीन्स अंडा होता है। कितने लोग अंडा को शाकाहारी समझते हैं, ये अंडा शाकाहारी बोलते हैं, अंडा और आलू दोनों बराबर है, अंडा शाकाहारी नहीं। अंडे के अंदर अगर जीव ना होता तो अंडा फिर बच्चा कैसे निकालता, उसमें से बच्चा कैसे निकलता, मुर्गी मुर्गा कैसे बनता। फिर लोगों ने दोहा बना लिया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, परंतु मैं कहूंगा संडे हो या मंडे यदि खाओगे अंडे तो लगेंगे जमदूतों के डंडे, और अंडा कितना गंदा होता है। मुर्गा और मुर्गी की रजवीर से अंडा बनता है, और मुर्गा मुर्गी भी कितने गंदे हैं, सब कचड़े का कचड़ा खाते रहते हैं, गंदगी खाते हैं। उस मुर्गा मुर्गी को आदमी मारकर खाता है, है तो आदमी हिम्मत वाला। मछली खाने वाले भी बहुत साहसी लोग हैं, मछलियां जहां रखी हों वहां इतनी बदबू आती है, और फिर ये कितने हिम्मती लोग हैं, मछली का टुकड़ा काट के मुंह में रख लेते हैं और कहते बड़ी खुशबू आ रही और फिर उसको चबाते भी हैं, और चबा कर फिर अंदर पेट में ले जाते हैं, और खाने के बाद कहते हैं कि वाह क्या बात है। बात तो है ही है, क्योंकि मछली जितनी गंदगी एक साथ अंदर ले गए हो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। मछली कितनी गंदी चीजों को खाती है, मछलियां जहां हो वहां तुम अगर पानी में थूक दो तो थूक को खा लेती, नाक छिनक दो तो नाक चाट लेती, कोढ़ी को खा लेती, गोबर खा लेती, लाश को खा लेती, मुर्दे को खा लेती, सड़ा गला खा लेती, और उस मछली को ये आदमी खा लेता है, है तो बहुत हिम्मत वाला आदमी। सृष्टि में कुदरत ने जल की गंदगी साफ करने के लिए मछली को बनाया, पृथ्वी की थल की गंदगी को साफ करने के लिए सुअर को बनाया, आकाश की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़िया को बनाया, और उसके बाद आदमी को बनाया कि आकाश में भी सफाई मिले, पृथ्वी पर सफाई मिले, जल में सफाई मिले, अब तो सफाई में रहे। तो आदमी जब पैदा हुआ तो आदमी ने तीनों सफाई करने वालों की सफाई कर दिया, उन्हीं को खा गया, खत्म कर दिया। चिड़िया को भी खा लेता है, मछलियों को भी खा लेता है, और सुअर को भी खा लेता है। सुअर तो लेटरिन खाता है, उसको भी आदमी खाता है। मैं सोचता हूं कभी ऐसा न डेवलप कर दे कि लेटरिन ही खाना शुरू कर दे। हाँ, सुअर खा रहे मांस मछली अंडा, मुर्गा बकरी बकरा भैंसा, ये सब खाना नहीं चाहिए। खाना है दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी घी शक्कर दूध मलाई रसगुल्ला गुलाब जामुन समोसा कचौरी और कलाकंद जमीकंद परम आनंद, ये सब खाइए, शकरकंद